अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं सेवइयों का शीर खुरमा बनाने लगी हूँ। तो सेवइयों के लिए, शीर खुरमे के लिए हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हांडी में, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसमें 3-4 इलायची कड़कड़ाएंगे। गैस बिल्कुल हल्का रखना है इसका, ये वाली। इसको डाल देते हैं। मेरे ख्याल है मैं इसको ना छोटे वाले चूल्हे पे कर लेती हूँ। इसको तोड़ के ऐसे इसमें डाल दें और इसको चम्मच हलाएं। हल्की आंच पर इसको गोल्डन ब्राउन करना है हमने। और उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। सेवइयों को मैंने ऑयल में भून लिया था अच्छे से, वो और हल्की ब्राउन हो गई थी। फिर मैंने उसमें दूध डाल दिया। दूध जो है वो 2 लीटर 4 लीटर डाला था। और उसके बाद मैंने उसमें शुगर डाल दी है। शुगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें। और ये देखें, इस तरह के फॉर्म में जब आ जाएं, जब सेवइयां जब गल जाएं, तो फिर आप उसमें शुगर डाल दें। जब शुगर डालती हैं तो शुगर भी अपना पानी छोड़ती है। फिर उसको पकाएं अच्छे से। तो मैंने उनको अच्छे से पका लिया। फिर यहाँ पर मैंने पानी बॉयल किया है और उसमें ये बारीक सेवइयाँ डाल दूंगी मैं और इनको बॉयल कर लूंगी। ये यहाँ पर हम सेवइयाँ बॉयल कर रहे हैं। ये जब बॉयल हो जाएंगी तो फिर हम दूसरी सेवइयों में इनको मिक्स कर देंगे। अब ये सेवइयाँ हमारी यहाँ बन चुकी हैं। अब ये बारीक सेवइयाँ मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। जब सेवइयाँ अच्छे से दोनों मिक्स हो गई, तो मैंने उसमें फिर सिंगल क्रीम, वैसे तो मैं डबल क्रीम डालती हूँ लेकिन डबल क्रीम मुझे मिली नहीं थी, तो फिर मैंने इसमें सिंगल क्रीम का एक डब्बा जो है वो डाल दिया। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छा क्रीमी टेस्ट आता है सेवइयों में। और मैंने थोड़ी सी फिर निकाली कि मैं इसका मीठा चेक कर लूँ, तो जब मैंने चेक किया तो मुझे थोड़ा सा कम लगा। फिर मैंने इसमें और मीठा थोड़ा सा डाल दिया और अच्छे से उसको पका लिया। अब सेवइयाँ मेरी तैयार हो चुकी हैं। अब मैं इनको चूल्हे से उतार रही हूँ। तो उतारने के बाद फिर मैंने इसमें बादाम डाल दिए और किशमिश, जो आपका दिल करता है आप नट्स इसमें डाल दें। तो सेवइयाँ मेरी बहुत ही मज़ेदार शीर खुरमा तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम एक और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।